बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहे कुछ रहे आबाद रहें। वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। और जी, आज फ्राइडे का दिन है, सबको जुम्मतुल मुबारक। अब जी, हमारी मॉर्निंग का आगाज़ हो गया था। कल हमने बनाई थी निहारी, बनाई नहीं थी, हमारे यहाँ जावेद ने आ रही थी, उसके साथ तंदूरी रोटी थी, तो वही बची थी, तो मैं अपने लिए नाश्ते में फ्राई कर रही थी। उसके साथ मैंने एक ऑमलेट अंडा बनाया था। अच्छा, मैं अंडा जो ना रेगुलर नहीं खाती, मैं हफ्ते में एक आध दफ़ा या 15 दिन में एक दफ़ा खाती हूँ। अंडा मैं रेगुलर नहीं खाती, इसलिए अंडा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन आज ना दिल कर रहा था तंदूरी रोटी के साथ, और अंडा वाकई बड़ा अच्छा और बड़ा मज़े का बना था। तो क्या फ्राइडे था और हस्बैंड भी घर में होते हैं, तो मैंने कहा अंडा बना लेते हैं, ये भी साथ होते हैं। तो और जी, आप लोग सब सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, और हमें भी सपोर्ट करें, हमें भी इस काबिल समझें कि अल्लाह ताला हम छोटे यूट्यूबर्स को भी कामयाब करें। हम भी एक रियलिटी दिखाते हैं, हम कोई कॉपीराइट नहीं दिखाते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाते। हम भी बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं, और जो रूटीन के मुताबिक हम करते हैं वो चीज़ें हम शेयर कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें जो हम बैक ऑफ कैमरा करते हैं, जो कि हमें एकदम से जहन से निकल जाता है कि हमें ब्लॉगिंग भी करनी है। अब जी, मैं कुकिंग की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि जुम्मा भी था, जल्दी जल्दी मैं सालन पका रही थी। ये मेरे ससुराल स्टाइल की अपनी है, इधर ये भी ना, और बहुत अच्छा खाना है, बहुत मशहूर डिश है ये ससुराल की। और ये यखनी पका रही थी मैं, इसी किस्म डलता। अब जी, लग यखनी जो थी वो भुनने के ऊपर आ गई थी यहाँ पर, और दूसरी जानब जो यखनी भून रही थी, और मैं दूसरी तरफ जो काम भी अदर दूसरे कर रही थी, और एक्स्ट्रा डस्टिंग वगैरह सफाई है वो, और दूसरे कामों में मसरूफ़ थी। साथ साथ अब हर चीज़ जो है वो कैमरे में नहीं दिखाते, क्योंकि एक ही चीज़ दिखा दिखा के ना लगता है कि मुझे, मैं भी बोर हो गई हूँ, और मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी ना बोर हो जाएँ। एक तरफ मैं आलू काट रही थी और दूसरी तरफ सालन भी भून रहा था, तो मैं आलू जो है अब इसमें डाल के चम्मच चलाने लगी थी। अच्छा, आज हस्बैंड घर में थे तो काफ़ी उन्होंने हेल्प करी, वीडियो वगैरह शूट कर दी थी उन्होंने, मोबाइल को पकड़े हुए थे, मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और वरना तो डेली रूटीन में तो ऐसा होता है कि बस मैंने ही कैमरा पकड़ना है और मैंने ही सब कुछ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कोई भी ट्राईपॉड नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है मेरे पास। अभी मैं न्यू आई हूँ, न्यू ज्वाइनिंग की है यूट्यूब पर, बस अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, तो फिर हम इंशाल्लाह अपने एक यूट्यूब के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो ज़रूर ख़रीदेंगे। जी, जुम्मे की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, नमाज़ का मैं दिखा नहीं सकी थी, जिससे मेरी बेटी परेशान कर रही थी, तो मैंने बस नमाज़ पढ़ ली थी, और अब मैं जुम्मा सूरह काहफ पढ़ने लगी थी। बस ये मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया था, उसके बाद मेरी बेबी ने जब जहाँ मैं कुरान पाक या कुछ पढ़ने के लिए बैठती हूँ नमाज़ के साथ, मेरी बेटी ना बस कभी इधर हाथ लगाना, कभी उधर हाथ लगाना, और छोटे बच्चों के साथ यार पढ़ना बड़ा मुश्किल है। बस जब तक कि बच्चे ना होते ना तो बंदा पढ़ लेता है सब कुछ, बहुत कुछ कर लेता है, और फिर बच्चे देखते हैं। अब जी, मैं अपनी बेटी को लेकर बैठ गई थी, खाना वाना भी देखा, फोन ला के मैंने भी खा लिया था। अब यहाँ पर तकरीबन 4:30 का टाइम था, हम खाना खाए, कमरे में आ गए थे, और बस अभी ये जिद कर रही थी, तो मैंने इसका एक घंटी रखी हुई थी वो दे दी थी, और ये इसकी भी जो आइसक्रीम लेकर आई थी, ये इन्जॉय कर रही थी आइसक्रीम। और जी, बस अब हमारी इतनी यहाँ पर पक गई थी, अब हम कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।